श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों विकास यात्रा का दौर जारी बना हुआ है, जहां इसी क्रम में आज ग्राम पंचायत अजापुरा में विकास यात्रा अंतर्गत शासन के विकास कार्यों को जनता के समक्ष रखा गया। वहीं मौके पर ही जनता की समस्याओं का समाधान भी किया गया। वहीं विकास यात्रा के दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट ने न केवल ग्रामीणों की समस्या ही सुनी, बल्कि मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान भी प्रशासन के अधिकारियों के माध्यम से करवाया गया। वहीं ग्राम विकास को लेकर भी रूपरेखा बनवा कर करवाए जाने का वादा किया। इतना ही नहीं, विकास यात्रा के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट ने श्योपुर विधायक बाबू जंडेल पर तंज कसते हुए कहा कि विधायक दाएं बाएं की बात करते हैं, विधायक द्वारा श्योपुर जिले में जीरो भी विकास नहीं किया गया है, इसे श्योपुर जिले का दुर्भाग्य ही कहेंगे। जब विधायक द्वारा विकास को लेकर विधानसभा में कोई आवाज नहीं उठाई गई, देखें और क्या कुछ बोले भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। हमारे लोग उस भावुकता में आ गए, भापड़ा की नीति में आ गए, बेचारे की नीति में आ गए और उसके कारण से इस हमारे क्षेत्र को बड़ा नुकसान हुआ। 2004 में चार वर्षों में एक भी क्वेश्चन विधानसभा में इस बात के लिए नहीं उठाया गया कि मेरे क्षेत्र में उद्योगों का जाल होना चाहिए, मेरे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, मेरे यहाँ के जो किसान और मजदूर है उनकी दुर्दशा ठीक होनी चाहिए, इस बात पर कभी उठाया नहीं गया। उठाया था दुर्गालाल विजय जी ने तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी दिया, लेकिन जब हमारा प्रतिनिधि इन सब बातों को उठाता नहीं है, दाएं बाएं की बात करता है, हमारे ये गरीब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कह तो कर दिया कि आयुष्मान भारत में उस गरीब को 5 लाख तक का इलाज मिलेगा, जो गरीब कभी बीमारी होने के कारण इलाज नहीं करा पाता था और इलाज के अभाव में मर जाता था, तो उन्होंने कहा कि आप बड़े अस्पतालों में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराइए, इलाज आपका मुफ्त होगा। लेकिन हमारे यहाँ मेडिकल की दृष्टि से कुछ लोग कोटा जाते हैं और कुछ लोग जयपुर जाते हैं, सवाई माधोपुर जाते हैं, बारा जाते हैं, और वहां पर राजस्थान में जो सरकार है वो सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस की सरकार के कारण वहां जो आयुष्मान भारत है वो आयुष्मान भारत चल रही है। अभी मैं जलालपुरा में था, जलालपुरा में क्षेत्र के विधायक बाबू जंडेल जी मंच पर थे, तो मैंने बाबू विधायक बाबू जंडेल जी को कहा कि ये जो जनता है वो हमारी है, इस जनता ने आपको बहुत सारे वोट दिए, इसकी चिंता करने का काम भी आपका है और इसलिए आप राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात करो, आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहिए, आप कहते हो यहाँ मेरी सरकार नहीं है, राजस्थान में तो आपकी भी सरकार है, तो फिर आप वहीं से बात मनवा लो, इन गरीब लोगों का इलाज ना हो जाए, इनको बहुत सारा पैसा ना देना पड़ता है, लेकिन जीरो। केवल एक बात कही जाने के बाद कि मेरे पास 300 बीघा जमीन थी और 300 से 150 रह गई। अब सम्माननीय विधायक जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि वो जो 150 बीघा जमीन बिकी, उस जमीन से आपने कितनी बेटियों के गरीबों के विवाह किए, वो जो 150 बीघा जमीन बिकी उस जमीन से आपने कितने गांव के रास्ते बनाए, कितने तालाब बनाए, कितनी धर्म। देखिए, विकास यात्रा का दौर जारी है और विकास यात्रा के माध्यम से लोगों को क्या कुछ मिल रहा है, इसी के साथ अभी जो आज विकास यात्रा का कार्यक्रम अजापुरा में आयोजित हुआ, इसमें कांग्रेस को लेकर के जो आपने बात कही, उस बात को लेकर के मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर आपने जो बात कही वो उसमें कितनी सच्चाई है। जैसा कि आपको पता है कि 5 तारीख से खिरकिरी से लेके और लगातार ये विकास यात्रा गाँव-गाँव जा रही है, लोगों से चर्चा कर रही है, गांव चौपाल पर जब बैठते हैं तो लोग अपनी समस्याओं को भी बताते हैं, कई सारे उनके ज़मीन के बंटवारे, नामांतरण या अन्य कोई उनकी, इसके अलावा दूसरी गांव में मूलभूत जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम वो अति करना बहुत आवश्यक है, गांव के जिम्मेदार जवाबदार लोग जब इस बात को बता रहे हैं तो उसको भी नोट कर रहे हैं। जो पार्टी ने विकास किया है, माननीय शिवराज जी ने विकास किया है, जब उनको बताते हैं तो कई लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 2003 से पहले लाइट के दर्शन थे नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद उस दिशा में काम हुआ, लोग कहते हैं कि रोड नहीं थे, वो खुद ही बताते हैं कि जब सब हम श्योपुर से जब हमारे गांव तक आते थे तो 1-1.5 घंटे लगते थे, लेकिन आज रोड है बहुत अच्छी हो गई है। इस तरीके से विकास के बारे में जब लोग, बहुत सारे गरीब लोग ये कहते हैं कि हमारा तो सपना था,
कई लोग ये कहते हैं कि जब बड़े लोगों के मकान बनते थे तो हम ये सोचते थे कि यार क्या कभी हमारा भी पक्का मकान बनेगा, लेकिन हम धन्यवाद बहुत देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, ऐसा वो कह रहे हैं जो उन्होंने हम गरीबों के कल्याण की सोची। जब एक गरीब आदमी का बेटा प्रधानमंत्री बनता है तो फिर गाँव में रहने वाले गरीब आदमी को भी घर देता है। ये सब बहुत सारी जो जनकल्याण की योजनाएं हैं, लोग आयुष्मान भारत को लेकर बहुत सारी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी हो रहा है, लोगों को हम बता भी रहे हैं, लोगों को लाभ भी मिल रहा है, जिनको नहीं मिला उनको क्यों नहीं मिल रहा, अधिकारी कर्मचारियों से साथ ही समीक्षा भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि गरीब आदमी का काम होना चाहिए, क्योंकि अभी उन्होंने 3 दिन पहले ही वीसी में ये निर्देशित किया है कि ये जो सरकार है वो गांव गरीब और किसान की है और मेरे मध्य प्रदेश की जनता को, मेरे गांव में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इन सब के लिए हम सब लोग पूरे अधिकारीगण और सब जनप्रतिनिधि चल रहे हैं। कांग्रेस के विषय में तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस से व्यक्तिगत टारगेट का विषय नहीं है, विषय इतना है कि जो व्यक्ति क्षेत्र में जनप्रतिनिधि होता है उस जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता की बात को ठीक प्रकार से उठाना, क्योंकि लोकतंत्र में जब जनता उसको चुनकर भेजती है तो बहुत विश्वास के साथ चुनती है, और जब वह बहुत विश्वास के साथ चुनती है तो वह चाहती है कि उसका जनप्रतिनिधि उसकी समस्याओं को वो जिस संस्था में भेजे, भाई जनपद के व्यक्तियों को भेजे तो जनपद में अपनी बात को करे, जिला पंचायत में भेजे तो जिला पंचायत में करे, और जब हम विधायक बनाकर भेजते हैं तो फिर विधानसभा में अपनी बात को रखे, जब लोकसभा में भेजते हैं तो लोकसभा में अपनी बात को रखे। लेकिन इस स्तर पर मैं इसलिए कोई आलोचना का